दिखाया जा रहा है, जो आज पब्लिक कथा सुनने के बाद, जो विराम होने के बाद यहाँ पर उनके माता श्री उनका इंतजार कर रही है। हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों आज कोटा राजस्थान के अंदर प्रदीप मिश्रा जी की कथा का जो है पांचवा दिन था, आज कथा विराम है। और यहाँ पर जो है मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, यहाँ का नज़ारा इतना जबरदस्त है, लगभग 5 लाख के समथिंग जो यहाँ पर पब्लिक आई हुई है। चलिए देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों देख सकते हैं सामने की तरफ दुष्यंत आर्य और समीर देवी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बाहर का नज़ारा जो है वो इतना जबरदस्त है। यहाँ पर भी सेवा हो रही है और बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ का। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो कथा होने के बाद, विराम होने के बाद जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर भी जो है वो भोजन मिल रहा है। और मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर भी है और इसके बाद छप्पन भोग पर भी जो है भोजन बन रहा है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है वो ज़बरदस्त यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। देख सकते हैं आप इधर की तरफ तो है ही सही खाना, और इसके बाद जो है वो छप्पन भोग पर आपको चलकर दिखाऊंगा अभी। कथा का
उसके बाद का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। पब्लिक जो इतनी संख्या में यहाँ पर है और यहाँ पर जो है भोजन कर रहे हैं सभी। तो दोस्तों देख सकते हैं माहौल कितना ज़बरदस्त हो रखा है। आज जो इतनी भीड़ है यहाँ पर, पब्लिक देख सकते हैं आप, यहाँ पर लाखों की संख्या में आज जो है पब्लिक आई हुई है। चारों तरफ आपको पब्लिक ही पब्लिक दिखेगी, पांडाल से की तरफ भी इतनी इससे भी डबल भीड़ है आज तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से भीड़ लगी हुई है। चारों तरफ आप जहाँ भी देखेंगे आपको पब्लिक ही पब्लिक दोस्तों दिखाई देगी, और इधर जो खाना चल रहा है उधर चलता है जी। दोस्तों हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो कितनी भीड़ लगी हुई है। दूसरी तरफ बाहर का नज़ारा है, जो आज पब्लिक कथा सुनने के बाद, जो विराम होने के बाद यहाँ पर इतनी संख्या में पब्लिक आई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर जो प्रसादी बट रही है, जैसे कि बिस्किट हलवा और सभी जो है वो तो दोस्तों देख सकते हैं पब्लिक जो आ रही है वो इतनी संख्या में यहाँ पर, और ये इतनी धक्के और इस सब चल रहे तो दोस्तों अंदर की तरफ आ चुका हूँ, और अभी जो है यहाँ से आप देख सकते हैं अभी गुरुजी जो इधर से आने वाले हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ यहाँ पर आगे की तरफ जो है वो, बस यहाँ से जो गुरुजी वो दर्शन देंगे। यहाँ पर इतनी पब्लिक है अभी फिलहाल, आज लगभग 3 लाख से 4 लाख के आसपास पब्लिक है यहाँ पर, और इतनी संख्या में जो है वो अभी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो कितनी मतलब पब्लिक चेक करिए आप, यहाँ पर इतनी पब्लिक है बाहर की तरफ जो है वो गेट के पास पर चलो दीवार गेट नंबर 5 पर अभी खड़ा हुआ हूँ, और गेट नंबर 5 से जो है वो चेक कर सकते हैं गुरु जी के दर्शनों के लिए जो है इतनी सारी पब्लिक बाहर की तरफ खड़ी हुई है। ये जो है वो सामने की तरफ देख सकते हैं कथा का विराम था, और उसके बाद ही यहाँ पर जो है पब्लिक बाहर की तरफ खड़ी हुई है, और कुछ ही देर में जो है वो आने वाले हैं, और बाहर का नज़ारा जो है कुछ इस प्रकार है। हाँ दोस्तों आपको आगे की तरफ चल के दिखाता हूँ, आगे से जो है वो इधर का माहौल बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, और उधर ही चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो गेट नंबर 5 है, और ये कोटा दशहरा मैदान का जो नगर निगम वाला गेट है, कुछ ही देर में आते हैं गुरुजी, उनके दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं इतनी पब्लिक है अभी फिलहाल जो है वो, आज तो लगभग मेरे को लगता है काफ़ी संख्या में यहाँ पर पब्लिक आई हुई है, और बाहर की तरफ तो